सरकार अपना बजट पेश करने वाली है कल, और मोदी सरकार की अब आम जनता को उम्मीदें आर्थिक मोर्चे पर मजबूत दिखाने की है। लोग महंगाई से पार पाने की उम्मीदें पाले हुए हैं, वहीं सरकार अपनी आय बढ़ाने के रास्ते खंगाल रही है। राजस्थान के उद्यमियों, कारोबारियों, युवाओं, करदाताओं और आम नागरिकों की मांगें अपनी चरम पर हैं। केंद्र सरकार के आम बजट को लेकर सबकी निगाहें सरकार पर टिकी हैं। वित्त मंत्री के पिटारे से लोगों को राहत मिलेगी या लगेगा जोर का झटका? महिला हो या किसान, आम लोग हो या फिर व्यापारी, हर कोई बजट में राहत की उम्मीद पाले है। एमएसएमई को इजी फाइनेंस अवेलेबल होना चाहिए, एक्सपोर्टर के लिए जो वो एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके बिल को एडवांस में फाइनेंस करना चाहिए। जब उनका पेमेंट चूंकि बैंक में ही आएगा तो जमा हो जाएगा, उसके लिए कोई स्कीम इनको लेके आनी चाहिए। वित्त मंत्री के सामने सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को फिर से तेजी लाना बड़ी चुनौती होगी। वहीं आर्थिक मोर्चे पर राजस्व में इजाफा भी सरकार का बड़ा लक्ष्य होगा। कारोबारी जगत के लोग चाहते हैं कि ये बजट नोटबंदी और जीएसटी के असर से उबारने वाला हो। कर की दरों में रियायत की उम्मीद लगाए हैं। ऑटो सेक्टर को बूस्ट अप करने के लिए विशेष पैकेज के अलावा कर्ज की उपलब्धता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जो नोटबंदी के बाद मार से और फिर जीएसटी जो लग गया उससे अभी तक हमने उभरे नहीं है। जीएसटी में जब ये लाए थे जब वन नेशन वन टैक्स लाए थे, लेकिन वन नेशन वन टैक्स वास्तव में हुआ नहीं। विशेषकर कई सेक्टर अभी भी तीन तीन चार चार टैक्स रेट हैं, इनको हम चाहते हैं दो रेट कर दे। ऑटो सेक्टर पे कोई पैकेज आना चाहिए। आयरन के दाम पिछले बेताशा 6-7 रुपये किलो बढ़े हैं, सीमेंट इंडस्ट्री का बहुत पैसा बढ़ा है, तो रियल इस्टेट पे भी प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं एक स्कीम ये आनी चाहिए कि एनपीए जो है वो एक साल एजीटी उनको लोन आगे बढ़ाना चाहिए और कुछ उनको तरलता उपलब्ध हो जो एमएसएमई इंडस्ट्री में हो। प्रदेश के उद्यमी चाहते हैं कि केंद्रीय बजट में मंदी को दूर करने के प्रभावी प्रावधान दिखने चाहिए। एमएसएमई सेक्टर को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। व्यापारी टैक्स में कमी और सरलीकरण को भी जरूरी मानते हैं। टैक्सेशन की रेट आप जितनी कम करेंगे उतनी रेवेन्यूज आपको ज्यादा आएगी और पावर जो है कैपेसिटी उसकी बढ़ाने की होगी। तो एमएसएमई को ज़्यादा से ज़्यादा है वो इसके अंदर में प्रोत्साहन दे जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और स्किल डेवलपमेंट के लिए एसआई हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं वो आदमियों को तैयार करें। लोगों को आपको पता ही है कि कुछ भी काम करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। इफ़ इन केस वी कैन गेट सम सब्सिडी एंड रिबेट एज फार एज पुटिंग अप और स्टार्टअप्स एंड जो भी हमारे उद्योग हैं उसको लगाने के लिए एमएसएमई या एसएमईज महिलाओं को अगर मिलें तो बहुत अच्छी बात है। एक जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो ये कि एमनेस्टी स्कीम और इनकम डिक्लेरेशन स्कीम इस साल आ सकती है, क्योंकि बहुत ही डिमांड भी है और लगता भी है जो इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए इसकी जरूरत भी है। प्रदेश के 8 करोड़ लोग सहित देश भर की निगाहें 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर टिकी हैं। सरकार अपने बजट में लोगों को कितना राहत देती है इसका इंतजार सभी को है। महंगाई और मंदी के दौर में अब 130 करोड़ भारतीयों की निगाहें केंद्र सरकार के बजट पर है। 1 फरवरी को बजट आना है, उम्मीद है कई ऐसे प्रावधान होंगे जो देश की इकोनॉमी को रफ्तार देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया।